नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में मेगा रोड शो शुरू किया। पीएम का ये रोड शो 10 किलोमीटर लंबा होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग है। वहीं सर्वे में बीजेपी के लिए तस्वीर पलटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पीएम के प्रचार के बाद एक बार फिर से बीजेपी सीधी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, आज एक बार फिर से पीएम मोदी का रोड शो किया गया है। लगातार देखिए पीएम का रोड शो कर्नाटक में चल रहा है, किस तरीके से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है कर्नाटक में? कर्नाटक का चुनाव अहम है और चुनाव अहम इसलिए है क्योंकि चुनाव में मैनेज में कहेंगे तो बीजेपी में यानी यहाँ चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी हमने हाल में देखा है जगदीप शिक्षा जो बीजेपी के कर्नाटक के अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जो माना जा रहा था कि जिसे आप कांग्रेस ज्वाइन कर लिए तो कहेंगे बीजेपी के लिए निराशा की बात है, बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। पर जिस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह रक्षा मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर्नाटक के जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहा है और वहां दिख रहा भारी जो भारी जनसभा स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीजेपी को कहा है कि डैमेज हुआ है वो यहाँ पर गड़बड़ कर दिया गया है। उस तरह बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी का और बीजेपी कहा जा रहा है बीजेपी से कि 80 साल पुराने इतिहास को दोहराते यहाँ पर दोबारा सरकार बनाएंगे। हालांकि यहाँ पर लहर है मुख्यमंत्री योगी जी कांग्रेस का पूरा आला कमान पूरे बड़े बड़े क्षेत्र से कर्नाटक में लगातार रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, मनोहर खड़गे की बात करें, तमाम नेता वहां पर जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, वहां पर जनसभा उनको जिस तरह से उनको मिल रहा है, उनको जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, उनकी रैली को जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी को चुनौती देती नजर आ रही है, पर यहाँ पर तस्वीर इसलिए बदलती नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी बड़े नेता कर्नाटक में पूरी तरह से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदी लगातार वहां पर मिशन कर्नाटक के तहत यहाँ पर लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और लगातार जनता द्वारा उनको अभिवादन किया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है और रैली में क्षेत्र हुजूम स्पष्ट करता है कि बीजेपी तो वहां पर लोग बोल रहे थे बीजेपी इस बार कर्नाटक हारती जा रही है तो कहेंगे बीजेपी यहाँ पर खाए के बने हुई है और जिस तरह बीजेपी का बयान आ रहा है सभी नेताओं की यहाँ पर दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार पुराना यानी जो रिकॉर्ड है जो सत्रह से हमें दोहराया था वही रिकॉर्ड यहाँ बनाया जा रहा है। कर्नाटक की चुनावी चुनाव विभाग अहम है जिसके अभी 24 चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक चुनाव के अलावा अगर हम बात करें तो मध्यप्रदेश चुनाव होना है, राजस्थान चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ चुनाव होना है, सभी चुनावों में यानी बीजेपी की रणनीति कहीं ना कहीं चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सभी चुनाव में अगर इसके पहले इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उसका लाभ भी हमको 24 नेता लहराएगा। गौरव, बजरंग दल का सियासी घमासान जो छिड़ा हुआ है कल, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाकर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन बाजी मार सकता है? बजरंग दल को लेकर जिस तरीके से सियासी घमासान छिड़ गया है, देखिए आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर ही जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सभी दलों को ग्रहण करने की बात करी, वही बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझ जिस तरह की भावना को बता रही है, जानबूझ प्रचार कर रही है और बता रही है कि हम हिंदू विरोधी है और अपने आप को हिंदू विरोधी पार्टी साबित करने में लगी हुई है और यहाँ पर हिंदू जो सबका है उनको मानता भी नहीं, उनको वोट देता नजर भी नहीं आएगा। तो मैंने कांग्रेस पार्टी के अपनी विचारधारा है, कहना है कि बजरंग बली के उपासक है पर हम बजरंग दल को नहीं मानते क्योंकि ये तरह के दल जो है वो केवल देश को बांटते आए हैं और केवल नबड़ की राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बजरंग दल वाला विवाद भी बड़ा चल रहा है, बजरंग दल विवाद में नुकसान होगा, फायदा किसको होगा वो अपने भविष्य गर्भ में नहीं थे। पर एक बात स्पष्ट है कि जो भी विवाद होता है उसका कोई ना कोई असर जरूर होता है। अब असर बीजेपी पे सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है आगे बढ़ होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों का प्रदर्शन का आज 15वां दिन है, जहां आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में महापंचायत होने जा रही है। इसको देखते हुए हरियाणा से सटी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहादुरगढ़ में दिल्ली से लगती 5 सीमा पर नाके लगाए गए हैं। किसी भी संदिग्ध वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि रविवार को खाप प्रतिनिधि और किसान बहादुरगढ़ के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा शाम 7 बजे खाप नेता पहलवानों के साथ कैंडल मार्च भी निकालेंगे। तो वहीं पर आज जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन 15वां प्रदर्शन है।
15 दिन हो चुके हैं, आपको बता दें कि खिलाड़ियों का जंतर मंतर प्रदर्शन करते हुए पहलवानों में आज पहलवानों के बीच महापंचायत रखने की बात कही गई है। खिलाड़ियों को खाप का समर्थन भी मिल सकता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में प्रवेश को रोक लगा दी गई है, नाके लगा दिए गए हैं जंतर मंतर पर। लगातार खिलाड़ी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपने प्रदर्शन को दिखा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो बता दें कि राकेश टिकैत पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच सकते हैं। पहलवानों को समर्थन देने के लिए आज राकेश टिकैत दिल्ली भी जाएंगे। यूपी और गाजीपुर बॉर्डर पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस को आशंका है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इसको लेकर पुलिस वहां पर पूरी सुरक्षा के साथ अपनी तैनाती की हुई है। वहीं जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का 15वां दिन हो चुका है। लगातार वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जहां खिलाड़ी कई बार रोते हुए नजर आए, प्रशासन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, आज जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का 15वां दिन है, वहीं कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत तो खिलाड़ियों से मिलने जा सकते हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, इस प्रकार से पिछले 23 अप्रैल की अगर बात करें तो 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो रेसलर्स हैं, जो भारतीय पहलवान हैं, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा आज जब उनकी मांगे जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार जो है FIR दर्ज की गई ब्रजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट जाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद लगातार ये रेसलर जो है मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो WFI के प्रेसिडेंट हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। वहीं जांच एजेंसी भी बाकायदा लगा दी गई है, इस पूरे मामले की जांच के लिए जांच एजेंसी लगा दी गई है। इसके पहले जब जनवरी महीने में ये मामला प्रकाश में आया था, तब भी ये पहलवान जंतर मंतर पर जुटे थे या विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि FIR दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। तब सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया था, अनुराग ठाकुर वहां खुद ही गए थे और पहलवानों को समझाने बुझाने मनाने में कामयाब रहते। उसके बाद एक जांच कमेटी बनी थी, लेकिन उसके बाद जब पहलवानों को लगा कि उनको सुनवाई नहीं हो रही है, तो 23 अप्रैल से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। FIR दर्ज हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी की जो मांग है अभी पहलवान उसको लेकर अड़े हुए हैं। इसके बाद ये भी देखने को मिला कि इस प्रकार से दिल्ली पुलिस के द्वारा पहलवानों के ऊपर कार्रवाई की गई। लगातार पहलवानों ने यह आरोप लगाया कि जबरन उनको यहाँ से हटाया गया और महिला पहलवानों के साथ मारपीट की भी बात उन्होंने की थी। आज जो है वो इस मुद्दे पर तमाम विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरे हुए है और पहलवानों को समर्थन भी दे रहा है। हमने देखा कि रालोद के अध्यक्ष और जयंत यादव के साथ साथ पप्पू यादव जो बिहार के नेता है और प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी और पहलवानों को समर्थन भी दिया था, उनकी बातों को सुना भी था, उनके साथ खड़ी भी नजर आई थी। लेकिन अगर बात की जाए तो अब जो किसान मोर्चा है वो भी जो है वो पहलवानों के साथ आ गया है और एक संयुक्त महापंचायत करने के लिए आज सभी किसान नेता जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि राकेश टिकैत जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख है, वो जो है वो पुलिस को चकमा देते हुए, इसी बीच देखिए कई तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिली कि जिस तरीके से पहलवान रोते हुए नजर आए, सुरक्षा कर्मियों पर उन्हें गंभीर आरोप लगाए, कल 7 लड़कियों ने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। और इसी बीच जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है को उनके समर्थन में भी लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है लगातार ये पहलवान कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब FIR दर्ज हो गई है तो कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार की जाए। अगर हम आपको बता दें कि काफी लंबे समय से ब्रजभूषण शरण सिंह WFI के प्रेसिडेंट है और महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का मामला जो है ये गरमाया हुआ है और पूरे देश का जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरे हुए है, पहलवानों के साथ खड़ा नजर आया है।
हम आपको बता दें कि सभी जो खाप पंचायत और संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं वो जो है वो इस महापंचायत में सम्मिलित होने जा रहे हैं। शाम को 7 बजे एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वही कुछ जो लोगों का कहना है, जो किसान मोर्चा के लोग हैं, कि वो 11 मई से लेकर 18 मई के बीच जो है वो पुतला भी जलाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के पुतला और भूषण शरण सिंह के पुतले की मांग की जा रही है लगातार। यानी कि विवेक, ये प्रदर्शन लंबा चलने वाला है और बिल्कुल ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं अब बहुत ही लंबा चलने वाला है। और इस बीच तो अब राकेश टिकैत का पूरा समर्थन जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ मिल रहा है, तो ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं अब बहुत लंबा चलने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए 23 अप्रैल से ही पहलवान धरने पे बैठे हुए हैं। इसके पहले जनवरी में उन्होंने धरना दिया था और लगभग आज 15वां दिन है इनके प्रदर्शन का। और पहलवानों की मांग है, जब तक उनको गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। देश का विपक्ष जो है पहलवानों के साथ आ रहा है, हर दिन कोई न कोई विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता पहलवानों के साथ नजर आता है, खड़ा नजर आता है, जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। वहीं पहलवानों की ये सीधी मांग है कि बिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज हो गई है, अब उनकी गिरफ्तारी की जाए ताकि मामले की जांच सही तरीके से हो सके। बहुत बड़े आरोप जो है महिला पहलवानों ने बिजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं। वही बिजभूषण शरण सिंह का कहना है, एक टूक शब्द में कहना है, कि ये पहलवान अगर धरना खत्म करके वो लौट जाते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन किसी अपराधी की तरह वो इस्तीफा देके मैदान छोड़ के भागने वाले में से नहीं है। वही ने बिजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा था कि जो जांच कमेटी जनवरी के बाद बनाई गई थी, उस जांच कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार ये पहलवान क्यों नहीं कर रहे। इसके अलावा उन्होंने पहलवानों को भी बड़ा आरोप लगाया है कि ये एक बेबुनियाद जो है साजिश रची जा रही है हरियाणा के एक अखाड़े और दीपक हुड्डा के द्वारा, पहलवान इसका शिकार हो रहे हैं। और उसके बाद जहां अगर बात की जाए बिजभूषण शरण सिंह का, तो उन्हें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर एक भी आरोप उनके ऊपर सिद्ध होते हैं तो वो खुद ही फांसी पर लटक जाएंगे। तमाम ऐसी बातें बिजभूषण शरण सिंह के द्वारा की गई है अपने लिए, लेकिन लगातार पहलवान जो है, जो महिला पहलवान है, जो वहाँ पे लोग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत के आए हैं, उनकी सीधे तौर पे ये मांग है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बजरंग पुनिया ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर ये मामला झूठा साबित होता है, तो उसके बाद वो अपने सारे मेडल और सारे पदक जो है वो लौटा देंगे। ये बड़ा मामला है, 15 दिन हो चुके हैं और सभी जो है बड़े नेता लगातार जनता मंत्र पहुंच रहे हैं। ऐसे में तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई थी कि जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं वो जो इस धरने को समर्थन देने जा रहे हैं उनको रोक दिया जाए, जो भी संवेदनशील लगे उनको रोक दिया जाए। बकायदा चेकिंग का अभियान चलाया गया था, लेकिन इससे भी बस निकलकर राकेश टिकैत जनता मंत्र पहुंच चुके हैं और 7 बजे एक कैंडल मार्च होगा और पुतला जलाने की भी बात जो है इस संयुक्त महापंचायत के द्वारा की जा रही है। अब इसके बाद खाप पंचायत, संयुक्त महापंचायत के साथ साथ सभी विपक्षी दलों का समर्थन इन रेसलर्स को मिलना शुरू हो चुका है। देखते हैं कि ये जो रेसलर्स की मांग है वो कब तक पूरी चलती है और धरना जो है आखिर कब तक चलता रहता है। एक तरफ खिलाड़ी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, एक तरफ खिलाड़ी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, इसी बीच सियासत की धार जो है वो तेज होती जा रही है। जी बिल्कुल, ये बड़ा मामला है। अगर कुछ पहलवान जो है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की ख्याति जो है मजबूत की है, एक पहचान बनाई है, मेडल लेके आए, तो उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बकायदा यही किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी बातों को सुना चाहिए। दिल्ली पुलिस को बकायदा फटकार भी लगाई थी कि अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं हो पाई। उसके बाद बकायदा FIR दर्ज की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों ने याचिका डाली गई थी कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। FIR दर्ज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों को हाईकोर्ट जाने को कह दिया गया है। इसके बाद पहलवानों की लीगल टीम है वो हाईकोर्ट का रुख कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहलवान लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि बिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि गिरफ्तारी करने के बाद ही जांच में तेजी आएगी, वरना वो अपने प्रभाव से जो है वो जांच को बाधित करेंगे। लगातार पहलवान ये आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद बिजभूषण शरण सिंह ये बात कह रहे हैं कि WFI के प्रेसिडेंट पर छोड़ने का कोई बात ही नहीं, अगर एक भी आरोप तय होता है तो मैं खुद ही जो यह पद छोड़ दूंगा। बिजभूषण शरण सिंह अपने समर्थन में यह बात कर रहे हैं, लगातार पहलवानों पे आरोप प्रत्यारोप, पहलवान इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बिजभूषण सिंह साहब इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। इसी बीच जो है
दिल्ली में जो बिजन सुरेंद्र सिंह का आवास है उसकी सुरक्षा भी बाकायदा बढ़ा दी गई है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो, किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जनता मंत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन तमाम लोगों को जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं जो इस महापंचायत में शामिल होना चाहते हैं, शाम के कैंडल मार्च में शामिल होना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस बाकायदा उनको रोक रही है, चेकिंग करके रोक रही है। जो बाहर की गाड़ियां हैं उनका खास तौर पर चेकिंग की जा रही है। लेकिन राकेश टिकैत जो संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष है वो पहुंच चुके हैं वहां पे अपनी अपना समर्थन देने के लिए पहलवानों के लिए। अब सबसे बड़ी बात होगी, देखना होगा कि ये आंदोलन अब और क्या विकराल रूप देखता है, कितना व्यापक रूप जो है इस आंदोलन का मिलता है, क्योंकि माटी के जो है वो पहलवान इस आंदोलन में अपनी आवाज मजबूत कर रहे हैं और लगातार अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो जंतर मंतर पर लगातार खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है, खिलाड़ियों का प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। वहीं आज नगर किसान के महापंचायत के राकेश टिकैत अध्यक्ष वहां पर पहुंचेंगे खिलाड़ियों का समर्थन देने के लिए। बताया जा रहा है 11 मई से लेकर 18 मई तक वो खिलाड़ियों के समर्थन में उतरेंगे और ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ जो है वो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, उनका पुतला भी फूंका जाएगा। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण संपन्न होने के बाद दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारक के लिए जुट चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां दूसरे चरण के लिए 11 मई को मतदान होना है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों का दौरा करेंगे। सीएम योगी आज अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली चुनावी जनसभा करेंगे। बता दें कि बदायूं में जनसभा करेंगे, इसके बाद शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे, साथ ही 3:50 पर बरेली में भी जनसभा करेंगे। तो लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, कल वो कर्नाटक के दौरे पर थे, आज फिर से एक बार नगर निकाय चुनाव को लेकर वो प्रत्याशियों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे। निकाय में लगातार जो जिस तरीके से पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक दिन में कई कई जनसभाएं करते हैं, लोगों से अपील करते हैं और अपनी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने जनता के बीच जाते हैं। तो बता दें कि नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण के लिए लगातार पार्टियां अपनी अपनी पूरी तैयारियों में लगी हुई हैं। इधर बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लगातार एक एक दिन में वो कई जनसभाएं करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जनसभाएं करेंगे। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी प्रचार प्रसार को कमान थामे हुए हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लगातार बीजेपी चुनावी एक्शन मोड में हमेशा नजर आती है। कल मुख्यमंत्री कर्नाटक के दौरे पर थे, आज एक बार फिर से वो निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, बरेली में भी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता के बीच जाएंगे, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण का 11 मई को चुनाव होने जिसको लेकर बीजेपी बिल्कुल तैयारियों में नजर आ रही है। वहीं अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, बरेली में भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे, अपनी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे, जनता से अपील करेंगे। लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 37 जिलों में भी उन्होंने जनसभाएं की। 37 जिलों का जब पहला मतदान हुआ था, पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ, लगातार उन्होंने एक एक दिन में कई जनसभाएं की थी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, मुख्यमंत्री लगातार जो है अपने प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, आज वो कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी नंदिनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव के पहले फेज का पूरे सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है मतदान। अब दूसरे फेज का मतदान 11 मई को होना है,
जब इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सूबे के मुख्यमंत्री आज 4 जिलों के दौरे पे हैं। आपको बताएं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सबसे पहले अलीगढ़ पहुंचते हैं, जहां 11:25 पर उनका विशेष विमान नुमाइश हेलीपैड पर उतरता है। उसके बाद वो अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हैं, जहां नगर पालिका, नगर पंचायत और अलीगढ़ नगर निगम के तमाम प्रत्याशी और सभासद और पार्षद प्रत्याशी मौजूद रहते हैं। साफ तौर से अगर देखा जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री अलीगढ़ की बेहतरी को लेकर अपने संबोधन में आज नजर आए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो अलीगढ़ का विकास चौमुखी हो सकेगा। उसी क्रम में आपको बता दें कि अलीगढ़ से 12:55 पर बदायूं पहुंच जाएंगे। बदायूं के अंदर में अगर देखें तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तमाम विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की पुत्री संयुक्ता मौर्य भी बदायूं से सांसद हैं। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो बदायूं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और बीजेपी की इस सभा से कहीं ना कहीं चुनाव को बदायूं में अपने पक्ष में करने का प्रयास होगा। अगर देखा जाए तो बदायूं के अंदर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने की बात कही जा रही है, क्योंकि लगातार अगर देखें तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस चुनाव में उतरकर और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को बता रहे हैं और जन कल्याणी योजनाओं को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाकर और तमाम दावे वादे कर रहे हैं, उसी क्रम में आपको बताएं कि मुख्यमंत्री 2:25 पर शाहजहांपुर जाएंगे, जहां आपको बताएं कि शाहजहांपुर के उत्तर प्रदेश में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। 17वें नगर निगम के तौर पर शाहजहांपुर को पहचान मिली है और कहीं ना कहीं देखें तो शाहजहांपुर के अंदर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव के डेट का ऐलान हुआ, तिथियों का ऐलान हुआ, उसके भी ठीक बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अर्चना वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं अर्चना वर्मा, समाजवादी पार्टी का हमेशा से नगर पालिका में शाहजहांपुर से जीत होती रही है, तो कहीं ना बीजेपी ने जो सेंधमारी की है अर्चना वर्मा को अपने पक्ष में लेकर, इससे क्या चुनावी माहौल देखा जाए वहां पर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अर्चना वर्मा एक पूर्व मंत्री की बहू है और साथ ही साथ अर्चना वर्मा पूर्व में भी वहां पर जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर चुकी है। और इस बार अगर देखें तो शाहजहांपुर में लोधी और मुस्लिम वोट बैंक एक भारी तादाद में है, उनकी संख्या ज्यादा है। देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा की गई जब अर्चना वर्मा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती है और सपा और साथ ही साथ भाजपा में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। साथ ही शाहजहांपुर में अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुस्लिम फेस को उतारकर कहीं ना कहीं सियासी एक भूचाल लाएगा, जिसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि जहां मुकाबला दो तरफा देखा जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी के इस कदम की वजह से मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। वही आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:50 पर बरेली आएंगे और बरेली के नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम बरेली के तमाम प्रत्याशियों को के साथ उनके समर्थन मांगेंगे। आपको बताएं कि बरेली के अंदर में देखा जाए तो उत्तराखंड को बॉर्डर को छूने वाला बरेली है और कहीं ना कहीं देखें तो बरेली के अंदर में तमाम दावे वादे मुख्यमंत्री आज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने विकास कार्यों के मन से उसके कहीं ना कहीं बखूबी बखान करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर लगातार निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ये मेहनत कितनी रंग लाएगी और सियासी ऊंट किधर करवट लेगा वो नतीजों के बाद साफ होगा। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको वहीं पर लिए चलते हैं। प्राप्त हुआ है और 35 लाख करोड़ रुपए के